नेट ग्रिड यानी राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड या नेट ग्रिड एक एकीकृत आसूचना ग्रिड है जो आसूचना का व्यापक पैटर्न एकत्रित करने के लिए कई विभागों और भारत सरकार के मंत्रालयों के डेटाबेस में एक कड़ी का काम करेगी। आसूचना एजेंसियों के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकेगी। यह आतंकवादी रोधी उपाय है जिसके तहत टैक्स और बैंक खातों के विवरण, क्रेडिट कार्ड का लेन देन, वीजा आव्रजन रिकॉर्ड, रेल और हवाई यात्राओं के रिकॉर्ड की सरकार की डेटाबेस में सूचना एकत्रित करके सूक्ष्म रूप से तुलना की जा सकेगी। यह संयुक्त डेटा इन 11 एजेंसियों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आसूचना ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, वित्तीय आसूचना इकाई, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय और स्वापक नियंत्रण उपलब्ध कराया जाएगा। नेट ग्रिड की पूरी तरीके से सक्रिय किया जाना शेष है, इसका क्रियाशील होना बाकी है। सरकार नेट ग्रिड की क्रियाशील करने हेतु उपाय कर रही है और यह लगता है कि बहुत ही जल्दी सफल होगी। मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक का पुनर्गठन। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मैक एक मल्टी एजेंसी सेंटर है। इसका कार्य आतंकवाद, कारगिल युद्ध के बाद में संबंधित प्राप्त सूचना का दैनिक आधार पर साझा करना है। मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना 2002 में दिल्ली में की गई और विभिन्न राज्यों की सहायक मल्टी एजेंसी सेंटर में आसूचना प्रयासों को साझा करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। आसूचना ब्यूरो में मल्टी एजेंसी सेंटर, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा और वित्तीय आसूचना एजेंसियों सहित कई एजेंसियों के साथ में आसूचना साझा करता है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इस एस मैक के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार रियल टाइम में सूचना साझा की जाती है। बदले में अन्य एजेंसियां भी मल्टी एजेंसी के साथ सूचना साझा करती है और यह सेंटर 24 घंटे कार्य करता है। यह आतंकवाद विरोधी सूचनाओं के संबंध में राष्ट्रीय मेमोरी बैंक के रूप में कार्य करता है। मैक को आतंकवाद विरोधी आसूचना के लेखीकरण और लेखा परीक्षण के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। थोड़े से कार्यकाल में मैक ने अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में सफल रहा है। एनएसजी के 4 नए केंद्रों की स्थापना। सुरक्षा बलों की कमी को देखते हुए मानेसर के अतिरिक्त 4 स्थान जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में भी एनएसजी के केंद्र बनाए गए हैं ताकि मुश्किल हालातों में से अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। तटीय सुरक्षा योजना का नवीनीकरण। मुंबई हमले के बाद तटीय सुरक्षा का मजबूती करने की आवश्यकता महसूस हुई है। देश को तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं, जैसे कि भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तट रक्षक दल की सौंपी गई है, लेकिन समुद्री सीमा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारतीय नौसेना की है। तटीय राज्यों, केंद्र शासित राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तटीय पुलिस स्टेशन जैसे चेक पोस्टों, आउटपोस्टों इत्यादि के निर्माण की स्वीकृति तटीय सुरक्षा योजनाओं की यथा शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय मछुआरों की नौकाएं जलपोत किराए पर लेकर तुरंत तटीय गश्त प्रारंभ की जाए। तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तट रक्षक दल के साथ में संपर्क करने के लिए तटीय क्षेत्र में पड़ने वाले घुसपैठ संभावित स्थानों का विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए हैं। जहाजरानी, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय को सभी प्रकार के जलपोतों अर्थात मछली पकड़ने, गैर मछली पकड़ने वाले जलपोतों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तटीय गाँवों में रहने वाले सभी लोगों और मछली पकड़ने वाले सभी लोगों को पहचान पत्र जारी करना, ये सभी काम तटीय सुरक्षा योजना का नवीनीकरण करने के लिए किए गए हैं। कानूनी रूपरेखा। आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष टाडा यानी TADA था जो कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लागू किया गया, परंतु टाडा के दुरुपयोग किए जाने के आरोप लगने के पश्चात में 1995 में टाडा को समाप्त कर दिया गया और दिसंबर 2001 में संसद पर आक्रमण के बाद में पोटा अधिनियम बनाया गया यानी POTA और वर्ष 2004 में पोटा को भी समाप्त कर दिया गया और 26/11 मुंबई हमले के बाद में UAPA संशोधन अधिनियम दिसंबर 2008 में लागू हुआ और 2012 में इसमें संशोधन किए गए। आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम या टाडा अधिनियम क्या है? पंजाब आतंकवाद की पृष्ठभूमि के तहत टाडा अधिनियम एक आतंक विरोधी कानून था जो कि पूरे भारत में 1985 से 1985 से 1995 के बीच अस्तित्व में था। 1987 में इसमें संशोधन किया गया और दुरुपयोग के व्यापक आरोप लगने के बाद 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया।
आतंकवाद को परिभाषित करने और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया यह पहला आतंकवादी विरोधी कानून था टाडा, जो कि 1985 में बनाया गया था। आतंकवाद एक समाज विघटन की प्रतिति का गतिविधियों का निपटारा करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक कानून से व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। 24 घंटे के भीतर बंदी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पुलिस बाध्य नहीं है। बिना चार्जशीट फाइल किए गए आरोपी को 1 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है। पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए अपराध की स्वीकृति न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर मान्य थी और अपने को बेकसूर साबित करने के लिए जिम्मेवारी भी आरोपी की थी। इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई हेतु विशिष्ट न्यायालय बनाए गए और सुनवाई गुप्त रूप से हो जा सकती थी और गवाहों की पहचान गुप्त रखी जाती थी। अधिनियम की धारा 7(1) के तहत पुलिस अधिकारी को आरोपी की सम्मति को कुक्र करने के भी अधिकार थे। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, जिसे पोटा हम कहते हैं, पोटा एक आतंक विरोधी अधिनियम है जिसे भारत की संसद ने 2002 में बनाया था। यह अधिनियम भारत में कई आतंकवादी हमले, विशेषकर संसद पर हमला होने के बाद बना। इसके अनुबंध टाडा के अनुबंधों के अनुरूप हैं। इस अनुकानून के अनुसार आरोपी को न्यायालय में चार्जशीट पेश किए बिना 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसके तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियां गवाह का पहचान गुप्त रख सकती हैं। पुलिस के सामने की गई अपराध की स्वीकृति को जुर्म की अभिस्वीकृति माना जाएगा। नियमित भारतीय कानून के तहत व्यक्ति न्यायालय में अपराध स्वीकृति से मुकर सकता है, लेकिन पोटा के तहत नहीं। टाडा से भिन्न इसमें एहतियाती नजरबंदी का कोई उपबंध नहीं है। पोटा को 2004 में निरस्त कर दिया गया है। फिर 26/11 के बाद में क्या परिवर्तन किए गए हैं? पहले से विद्यमान गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम में कई सुसंगत संशोधन यहाँ पर किए गए हैं। गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम यानी कि UAPA, व्यक्तियों और संस्थाओं की गैर कानूनी गतिविधियां और उनसे जुड़े मामलों के निवारण के लिए UAPA एक प्रभावशाली अधिनियम है। UAPA यूपा 1967 में बना और 1969, 1972, 1986, 2004, 2008 और 2012 में इसमें संशोधन किए गए, और 2012 में किए गए संशोधनों में यूपा में यानी कि UAPA में यूपा में आतंकवादी कार्यों की परिधि में आर्थिक अपराधों को भी शामिल किया गया। आतंकवादी कार्य की परिभाषा को विस्तृत किया गया, जिसमें देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले अपराधी हथियारों के प्रापण, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करना, भारतीय नकली मुद्रा तैयार करना आदि शामिल है। न्यायालय को अपराध में लिप्त भारतीय नकली मुद्रा की बराबरी संपत्ति की जब्त करने और आतंकवादी अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की भी शक्तियां यहाँ पर प्राप्त हैं। NIA अधिनियम 2008 और विशेष NIA न्यायालय 2008 में संसद के द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के अनुसार NIA का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है। इसमें केंद्र देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले, देश की अखंडता और एकता को खतरे, बम विस्फोट, हवाई जहाज और समुद्री जहाज के अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले से संबंधित मामलों की जाँच कर सकता है। आतंकवादी हमलों के अतिरिक्त जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स और मादक पदार्थ, संगठित अपराध, गिरोह द्वारा जबरन धन वसूलना, जहाज का अपहरण, परमाणु ऊर्जा अधिनियम का उल्लंघन, सामूहिक विनाशक हथियार अधिनियम के से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। NIA अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत NIA पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न विशिष्ट न्यायालयों के अधिसूचित किया जाए गया है। इन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता उस क्षेत्र के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार का तैनात न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। किसी विशेष राज्य की प्रवृत्त परिस्थितियों को आलोक में यदि ऐसा करना न्याय के हित में हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मामले का एक विशेष न्यायालय के दूसरे विशेष न्यायालय को हस्तांतरित करने का अधिकार है, चाहे न्यायालय राज्य के भीतर हो या राज्य से बाहर। उन्हें किसी भी प्रकार के अपराध की सुनवाई करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। इन न्यायालयों को द्वारा मामलों की सुनवाई प्रतिदिन सभी कार्य दिवसों में होती है और आरोपी के विरुद्ध अन्य न्यायालयों जैसे कि विशेष न्यायालयों को छोड़कर चल रहे मामलों में छूट दी जा सकती है। विशेष न्यायालयों को किसी फैसले, सजा और आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। वर्तमान में 38 विशेष NIA न्यायालय हैं और राज्य सरकारों को अपने जजों में से एक या ज्यादा किसी विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्तियां दी गई हैं। आतंकवाद संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहल। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सहित अपराध से निपटने हेतु कानूनी रूपरेखा में भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय आधार पर की गई आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधियां, संगठित अपराध में मुकाबले किए गए समझौते ज्ञापन, द्वितीय समझौते, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी संयुक्त कार्य समूह शामिल हैं। ऐसे संधियां और समझौते विभिन्न प्रकार के अपराध जैसे कि आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, धन शोधन, जाली भारतीय मुद्रा और नोटों के विरुद्ध द्विपक्षीय सहयोग सुनिश्चित करने के नजरिए से किए जाते हैं। परस्पर कानून सहायता संधि। गृह मंत्रालय आपराधिक मामलों में परस्पर कानून सहायता संधि करने के हेतु मॉडल मंत्रालय है, जो कि जांच, अभियोजन और अपराध की रोकथाम, समन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील करना, वारंटों व अन्य न्यायिक कमीशनों के क्रियान्वयन और अपराध को बढ़ावा देने और उसके साधनों का पता लगाने, रोकने और जब्त करने में परस्पर सहायता के व्यापक उपायों को सुदृढ़ कर बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों, सीमा पार आतंकवाद और अपराधों व अन्य गंभीर अपराधों जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी, धन शोधन, जाली मुद्रा और हथियारों और विस्फोटों की तस्करी इत्यादि से महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 34 देशों के साथ इन संधियों की क्रियाशील किया है। आतंकवाद से निपटने हेतु संयुक्त कार्य समूह है। आतंकवाद से निपटने हेतु संयुक्त कार्य समूह कौन सा है? आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से लड़ने के लिए सूचना के आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने हेतु आतंकवादी निरोधी संबंधी संयुक्त कार्य सूचना और समूह की स्थापना हेतु विदेश मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है। द्विपक्षीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और अन्य देशों के बीच में स्थापित आतंकवाद निरोधक संबंधी संयुक्त कार्य समूह से संबंधित मुद्दों पर पीपी डिवीजन MIA के साथ में एक इंटरफेस के तौर पर कार्य करता है। NCTC की संकल्पना 26/11 के हमले के बाद में आसूचना और सक्रियात्मक असफलता पाई जाए गए सामने आई, तब भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए सही समय पर आसूचना प्रदान करने वाले संघीय एजेंसियों की आवश्यकता की महसूस हुई। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी उपायों को प्रभावशाली तरीके से एक जगह से नियंत्रण करने हेतु एक शीर्ष निकाय NCTC की परिकल्पना की गई, जिसे अमेरिका और ब्रिटिश निकाय के मॉडल की तर्ज पर बनाया गया है। इसकी अवधारणा तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने की और इस अवधारणा के तहत NCTC को IB के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। NCTC की आलोचना। NCTC की संकल्पना को निम्नलिखित बिंदुओं पर कुछ आलोचना की गई है, जैसे कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। बिना राज्य सरकार के शामिल किए स्वतंत्र रूप से जांच करना, तलाशी लेना, व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की है। NCTC की प्रवृत्त शक्तियों को राज्य की शक्तियों के उन्मूलन में देखा जा सकता है और उसके अनुसार राजनीति में एक तूफान खड़ा हो सकता है। आसूचना एजेंसियों की गिरफ्तारी का अधिकार न देने की नियम का उल्लंघन हुआ है। इसमें आसूचना एजेंसियों के सामने भी नई सक्रियात्मक समस्याएं पैदा हुई हैं। सभी प्रकार के आतंकवादी रोकने से संबंधित आसूचना प्रबंधन के लिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के एक उत्कृष्ट एजेंसी हो सकती है। आसूचना इकाई के अतिरिक्त हमें सामरिक महत्व का योजना बनाने वाली और जांच और कार्यान्वयन करने वाली संस्था की भी आवश्यकता होती है। एक जांच बनाने वाली संस्था का निष्पादन करने की वाली एजेंसियों से पृथक किया जाने के पश्चात होता है। प्रत्येक को पेशेवर प्रमुख के तहत रखा जाना चाहिए। इसे गृह मंत्रालय के अधीन आसूचना ब्यूरो IB के एक अनुलग्न के रूप में रखा गया है, जहां पर तलाशी लेने, आतंकवाद को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चलाए जाने की आवश्यकता हो, वहां रास्ते का पता लगाने, अनुवादों को चिकित्सा सहायता और मृतकों, घायलों व अन्य कानूनी मामलों के प्रावधान के लिए राज्य पुलिस को शामिल करना चाहिए। मामलों की निगरानी सहित दीर्घकालीन जांच बिना स्थानीय पुलिस की सहायता से यहाँ पर आसान नहीं है। समावेशन, रोकथाम और जांच पड़ताल में पुलिस की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। काउंटर आतंकवाद में सजा की मुकाम तक ले जाने के लिए रोकथाम, समावेशन और जांच पड़ताल में ये स्पष्ट चरण है। केवल तत्परता और कार्यवाही योग्य आसूचना आतंकवादी हमले को नहीं रोक सकती। प्रभावशाली प्रक्रिया, कार्यवाही मॉनिटर करने के लिए भरोसेमंद तकनीक, बुनियादी ढांचा,
खतरे का मुकाबला करने के लिए तत्परता और लोगों के प्रयास इसी सिक्के का दूसरा पहलू है। क्षेत्र में स्थापित तकनीकी बुनियादी ढांचे से प्राप्त सूचना का मॉनिटरिंग या पुलिस कार्यवाही कौन करने जा रहा है, लोगों के प्रयासों को कौन एकत्रित करेगा, राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस की सहायता के बिना ये कार्य कैसे किया जा सकेगा। आतंकवादी हमले होने पर घटना स्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति निरपवाद रूप से स्थानीय पुलिस होगी। जब भी आतंकवादी हमला होता है तो तुरंत हिंसा को रोकने, भीड़ और यातायात को नियंत्रण करने और आतंकवादियों को संभावित कार्यवाही को रोकने की आवश्यकता होती है। यद्यपि ऐसी योग्यता केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं है, साक्ष्यों की सुरक्षा और गवाहों का संरक्षण, मारे गए व्यक्तियों के रिश्तेदार और दोस्तों को संभालना और मीडिया प्रबंधन इत्यादि समस्या के अन्य पहलू हैं, इसके केवल राज्य पुलिस ही निपट सकती है। तब हम क्यों राज्यों को अंधकार में रखना चाहते हैं? राज्य पुलिस के साथ प्रभावशाली समन्वय और समेकित नियंत्रण की आवश्यकता। प्रशासनिक कुशलता के लिए एकीकृत नियंत्रण हमेशा बेहतर होता है, बशर्ते कि उन पर राजनीतिक सर्वसम्मति ना हो। लेकिन संघीय ढांचे में एक आसान नहीं है, इसके दुरुपयोग की अधिक संभावनाएं हैं जो कि आगे भविष्य में देश के लिए खतरनाक साबित होगी। इसलिए इस केंद्रीय एजेंसी को राज्य पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए, न कि राज्य से स्वतंत्र रूप से। इसलिए हम कह सकते हैं कि NCTC वर्तमान रूप में केंद्र प्रभावित है, जो कि संघीय ढांचों में राज्यों द्वारा स्वीकृत योग्य है नहीं है। हमें स्थानीय संलिप्तता के सहित संतुलित नजरिए की आवश्यकता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों के स्तर का विश्लेषण। आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को 4 प्रमुख समस्याएं दी गई हैं: आसूचना एकत्रित करना, प्रशिक्षण और ऑपरेशन, जांच और अभियोजन। आसूचना एकत्रित करना, वर्तमान में यह कार्य राज्य पुलिस और केंद्रीय राज्य एजेंसी के द्वारा किया जाता है। 26/11 के बाद स्थापित नेट ग्रिड और मैक बहुत ही उपयोगी हुए। वित्तीय लेन देन, पासपोर्ट, वीजा से संबंधित अपराधों, सीमा पर घुसपैठ और नकली मुद्रा की वसूली इत्यादि से संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण सूचनाएं सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों ने इकट्ठा करके परस्पर मिलान करने की अभी जरूरत है, ताकि उनकी गतिविधियों की जांच और पर्दाफाश करने की मदद हो सके। हमें समाज, मीडिया, कॉरपोरेट घरानों, होटल मालिक इत्यादि को शिक्षित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है और आसूचना एकत्रित करने के काम में सहायता कर सकते हैं। आतंकवादी हमलों को रोकने में जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बहुत सारी कार्य करने की आवश्यकता है। संदिग्ध व्यक्ति और सामग्री के बारे में बिना किसी उत्पीड़न के भय के सभी आयु वर्ग और लिंग के व्यक्तियों को छोटी छोटी सूचनाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक प्रणाली विकसित की आवश्यकता है। आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए जनता के साथ मिलकर के कार्य करना होगा और पुलिस को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इस मोर्चे पर जनता के बीच जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अपेक्षा अभी भी बहुत दूर है। प्रशिक्षण एवं ऑपरेशन। प्रशिक्षण एवं उपकरणों के संबंधित राज्य सरकार, राज्य पुलिस की क्षमता सीमित है। पिछले 5 वर्षों से केंद्रीय सरकार की एजेंसियों ने अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अभी और सुरक्षा की गुंजाइश नहीं है। वर्तमान में ऑपरेशन के लिए विभिन्न राज्य की पुलिसों के साथ IV और समन्वय की भूमिका निभाती है, परंतु यदि एक भी समय हमें कई राज्यों में ऑपरेशन एक साथ करना हो तो हम क्या करेंगे? एक ही समय बहुत सारी साइट्स पर ऑपरेशन करना हो तो इसलिए पूरे केंद्रीकृत कमांड नहीं है, परंतु कुछ राज्यों के पास में वांछित सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए पूरे देश में ऑपरेशन के संबंध में एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है, लेकिन यह केंद्रीय एजेंसी को राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करना होगा, न कि राज्य पुलिस से स्वतंत्र होकर के। जांच कैसे की जाती है? NIA का गठन बहुत ही स्वागत योग्य कदम था। अब तक यह ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, लेकिन यदि हम राज्य पुलिस की जांच करने की योग्यता को देखें तो पाएंगे कि अभी भी सुरक्षा के सुधार की गुंजाइश है। यदि एक केंद्रीय एजेंसी आतंकवाद के ऐसी सभी मामलों जो कि विभिन्न राज्यों में हुए हैं आई आपस में जुड़े हैं और जाँच करें, तो ऐसे मामलों की जाँच भी बेहतर तरीके हो सकेगी। हमारे पास देश के अंदर और देश के बाहर सक्रिय विभिन्न आतंकवादी नेटवर्क संगठन का अच्छा डेटा बैकअप तैयार हो जाएगा। अभियोजन। हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत ही सुस्त है, इसके प्रतिक्रियात्मक पहलू से काफी समय व्यतीत होता है। आतंकवादी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष द्रुत न्यायालयों की स्थापना की होगी और
इस देश में हमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एनआईए एक्ट में विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। बेहतरी की संभावना, आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए विस्तृत रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा एजेंसियां, नागरिक समितियां और मीडिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक भूमिका क्या होती है? जैसे देश के एक मजबूत राजनीतिक सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि की, चूंकि राष्ट्रहित के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, इसको चर्च मीडिया में या फिर किसी अन्य सार्वजनिक मंच पर नहीं की जानी चाहिए। इसका निर्णय बोर्ड की राजनीति और प्राणी की विचारधारा के साथ आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। विविध क्या हो सकते हैं? जैसे कि आतंकवाद के विरुद्ध हमें एक सख्त अधिनियम की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा फास्ट ट्रैक न्यायालय की आवश्यकता है जो 3-4 महीने में फैसला दे दे। आतंकवादियों के विरुद्ध पुलिस के पास में शक्तियां सीमित हैं। आतंकवाद कानून में, अन्य आपराधिक कानून में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए तौर पर दोनों मामलों में हिरासत में रखने के लिए अवधि केवल 24 घंटे ही है। कई बार आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही की आवश्यकता होती है। जिसके कारण आतंकवादी को न्यायालय में पेश करना मुश्किल हो जाता है। हमें आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें सुनवाई और दोष सिद्धि हो। जैसे कि 3 से 4 माह में हो जाए तब तक लोगों को याददाश्त ताजा होती है। न्यायिक पद्धति में बचाव के रास्ते और न्याय में देरी भी आतंकवादियों को हिंसा में लिप्त होने के लिए निर्भीक बनाती है। सख्त कानून बचाव के रास्ते बंद होने और बिना देरी के न्याय मिलने से परिवार वाले भी उनके मदरसों का आतंकवाद के कार्य में लिप्त होने की कोशिश करते हैं। पुलिस क्या काम करती है? राज्य पुलिस को मजबूत बनाना, उसको प्रशिक्षण और क्षमताओं में वृद्धि करना, निगरानी करने और जांच करने और ऑपरेशन के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया करवाना समय की मांग है। हमें आधुनिक वैज्ञानिक फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की जरूरत है। अधिकतर आतंकवादी साइबर नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे हैं, इसलिए साइबर क्राइम के विरुद्ध विशेष क्या हो सकता है? मीडिया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मीडिया की भूमिका है। मीडिया प्राय राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनावश्यक बहस में लिप्त होता है। लोकतंत्र में बहस का हमेशा स्वागत है, परंतु कुछ मामलों में मीडिया को अधिक निर्लिप्त दृष्टिकोण रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर क्या सिमी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं, यह राष्ट्रीय नीति का एक स्पष्ट मामला है। इसका निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि मीडिया की बहस के आधार पर। कई बार मीडिया और बुद्धिजीवियों की कई बार मीडिया और बुद्धिजीवियों वर्ग के पीड़ितों के मानव अधिकारों की अनदेखी करते हुए आतंकवादियों के मानव अधिकारों की चर्चा ज्यादा करते हैं। जनता, आम जनता का हमारे पड़ोसी देश के बुरे इरादों के बारे में सचेत करने की आवश्यकता है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों को धार्मिक सद्भाव और शांति के लिए मिलकर काम करना होगा। पर्यावरण जागरूकता का एक तरह तरह की सुरक्षा जागरूकता विद्यालयों में विषय होना होनी चाहिए, ताकि सभी नागरिक मूलभूत सुरक्षा मुद्दे के प्रति जागरूक हो सकें। आतंकवाद, विद्रोह और नक्सलवाद के बीच में अंतर क्या है? आतंकवाद, विद्रोह और नक्सलवाद के बीच का अंतर नीचे परिभाषा की हम सुनते हैं क्या है। आतंकवाद राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्य के लिए योजनाबद्ध, संगठित एवं व्यवस्थित तरीके से हिंसा का प्रयोग करना है, और यह सामान्य शब्द है। आतंकवाद की परिभाषा के अनुसार विद्रोह, उग्रवाद और नक्सलवाद आतंकवाद के विभिन्न रूप हैं। जबकि विद्रोह सरकार को अब अपदस्थ करने की दृष्टि से समाज के एक वर्ग द्वारा सशस्त्र बल और हिंसक कार्यवाही विद्रोह की परिभाषा में आता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक ये है कि विरोधियों को सदा ही जनता का समर्थन मिलता है, और 50 के दशक के प्रारंभ में नागालैंड की समस्या विद्रोह का एक उपयुक्त उदाहरण कहा जा सकता है। नक्सलवाद कम्युनिस्ट छापमारों का हिंसक गतिविधियों के माध्यम से राज्य को स्थित करना नक्सलवाद कहलाता है। भारत में नक्सलवाद अधिकतर माओवादी विचारधारा पर आधारित है, जिसके माध्यम से वे लोगों को सरकार स्थापित करने के लिए सरकार को अपदस्थ करते हैं। विद्रोह और
नक्सलवाद आतंकवाद को लिखित रूप से, लेकिन आतंकवादी विद्रोह और नक्सलवाद, लेकिन सभी आतंकवादी विद्रोह हैं लेकिन नक्सलवाद नहीं है। तो इससे रिलेटेड हमारे जो चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं कि आतंकवाद विदेशी राज्य और गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि आतंकवाद के संदर्भ में 5 विदेशी राज्यकर्ताओं और गैर राज्यकर्ताओं के नाम लिखो, भारत में आर्थिक सुरक्षा की चुनौती देने में विदेशी राज्य और गैर राज्यों के कर्ताओं की क्या भूमिका है, भारत में भीतरी आतंकवाद की उपस्थिति के लिए ऐतिहासिक कारण क्या है, भारत के विभिन्न प्रकार के आतंकवाद के विश्लेषण की मुख्य स्रोत क्या है, और एनसीटीसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है क्या होती है, 26/11 के आक्रमण के पश्चात उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए क्या क्या उपाय है, यासिन भटकल कौन है, क्या आप आईएम को पूर्ण रूप से गैर राज्य घोषित करेंगे, ज्यादातर उग्रवाद में किसी हद तक अस्मिता का संकट मूल कारण है, भारत के संदर्भ में कौन भी अस्मिता के संबंध में जिसमें उग्रवादी व्यक्ति का और उग्रवादी प्रकृति का बढ़ावा मिला हुआ है। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का विद्रोह किस तरीके से हुआ है।